बेगूसराय में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला सहित लगभग आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने सभी जख्मियों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दो महिलाओं की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह घटना बलिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 फुलवरिया निवासी बबली देवी, आशा देवी, रणवीर यादव, धर्मवीर यादव, शिवराज देवराज, सत्यम कुमार एवं ऋतिक रोशन कुमार शामिल बताए जा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी द्वारा लगातार महिला को देख अश्लील हरकतें करता था। उन्होंने बताया कि बीते दिनों भी नशे में धुत कपड़े खोलकर नंगा नाच कर रहा था, जिसकी सूचना थाने में दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही लगभग 10 की संख्या में आए बदमाशों ने घर पर चढ़कर महिला समेत लगभग आधा दर्जन लोग को पीट पीट कर घायल कर दिया। फिलहाल सभी घायल सदर अस्पताल में इलाजरत है। घटना की सूचना मिलते ही थाना की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। तब हम कुछ नहीं बोले, घर जा रहे थे, नंगा अच्छा सो रही है, कपाट पर चल दिए घर। बस पीछा से बोले कि हे गे रणदी छिना यहाँ जा, वो अपन कपड़ा खोल लिया। तब हमको भूख देने लगा, हम फिर भी नहीं रुके, चलते रह गए घर बच्चा को लेकर। तब पीछा से पीछे बवार किए, तब फिर थाना गए। थाना से आए ना तो सब पहले पहुँचल था और घर के पीछे छिपकल था। हम घर घुसे, बस पीछे सब मारने लगा। कितना आदमी से था और किस चीज से मारा? बांस था और सामानो था। पहले बांस से 10 आदमी से पहले बांस से मार लिया था, तब कौन वसा गोली फोड़ने लगा। गोली फायर भी किया? हाँ। कितना राउंड? चार फायर किया। भागने नहीं दिया, घर से भाग रहे थे ना, हम भागने चाहे कि भागेंगे नहीं, भागने देता, घेर लेता। पलंग तर घिस गए, पलंग तर घिस के मारा। क्या लग रहा है मारपीट का कारण क्या है? डेली के डेली एक सप्ताह माता है, रोज यही कर्म करता है, रोज बर्दाश्त करते करते नहीं बर्दाश्त होता है, तब कुछ सौ बात में एक बात बोलते हैं। रोज कहता है कि नुका खोल कर आओ हमारे सौमी, आओ रंडी छिनार माधर चौक भोसरी वाली, ये सब रोज कहता है। कुछ नहीं करता है, दारू पी के रोज आता है। तू ये चार दिन में सब बउआ और तीन चोट लगा हुआ है, बउआ को मारा था। किस किस चीज से मारा है? रोरा चलाता था, गलवी पर से लाठी भी चलाया है, लाठियो चलाया, रोरो चलाया, हथियार भी था। हाँ। कितने आदमी के पास हथियार था? सभी दो तीन गो आदमी था, खाली लड़का लड़का युवक। क्या नाम है आपका? बबली देवी। पति का नाम क्या है? रणवीर यादव। मेरा पति यहाँ नहीं रहता है, बाहर रहता है। कहाँ घर है आपका? दनोली फुलवरिया। सर ना पहले खद्धा खोन दिया, उसके बाद खद्धा खोना ना तो वहीं पर पेशाब कर रहा है, मेरे भैंस रुत रहे वो मखा पर। उसके बाद मेरा बच्चा पानी फेंकने गया, उसको मारा थप्पड़ से गिरा दिया। उसके बाद हम बोले तुम क्यों मारा, तो बोले कि मेरा जमीन पर तुम तो बस नंगा हो गया, नंगा होकर कॉल के हेड ले करके सबके खानती सामान सबके एक दमन पट कर दिया। उसके बाद रेलवे पर गया, रोरा पत्थर सबसे दुए गोतनीय थे और अलावा कोई नहीं था घर में, महिला में दो गया, बस मोबाइल छीन के भाग गया मोगल यादव। उसके बाद कन्हैया गया, खंती से हमको दो बार पा, उसको मुगल को पत्नी खंती से गोद पर मार दिया, ऋतिक रोशन को। अब उसके बाद कल में क्या हुआ, मेरा हस्बैंड आ रहा था तो बोला कि रावण आ गया, बस भीड़ गया उल्टे रोरा पत्थर चलाने के लिए, पंखा भी तोड़ दिया, रद्द बद पूरे सामान सर कर दिया, कुट्टी काटने वाला कल को तोड़ कर, मतलब घर में तोड़ फाड़ के, पूरे तोड़ फाड़ कर सब उठा कर ले गया। अब भैंसुर भी गया बर तिहारी में, गोतनी अपना नैहर गई,
कोई घर में नहीं थी, दो ये महिला थे। और उसके बाद कल में थाना पर से गए तो हम सोचे कि अपने आदमी ने घर पर सीढ़ी पर बैठ गया गया पीछे से एकदम धो के सामान उमान से एकदम जह तह एकदम पर भरा दिया घर में घुसा घुसा। अब पलंग तर में आलू रखे थे उस पर मतलब नचा के एकदम। कितने आदमी से था मारपीट करने में? 10 आदमी से। कौन है सब पड़ोसी है क्या? कौन सब पड़ोसी है? अपना बड़का ससुर का सब पोता हुआ सर गोतिया। हाँ गोतिया कोयला से भी बदमाश मंगवाया, ज्ञान टोल से भी बदमाश मंगवाया। क्या नाम है आपका? आशा देव। आपके पति का नाम क्या है? रणबीर यादव। कहाँ घर है? फुलवरिया। वार्ड संख्या? सात। थाना कौन पड़ता है? बलिया। कितने आदमी घायल हैं इस मारपीट में? पाँच आदमी। क्या क्या नाम है? आशा देवी, बबली देवी, रणबीर यादव। रणबीर यादव, मनोज यादव, ऋतिक रोशन। सब आप एक परिवार के? हाँ एक परिवार।